और ये खंबा भी गिरने वाला है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। बताऊँ, ये देखिए ये टूट चुकी है सिल्ला वगैरह, तो ये सिर पे पड़ सकती है। ये लकड़ियों का देखिए सपोर्ट है पूरा का पूरा यहाँ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं आपको एक ऐसे गांव में लेके जो हजारों सालों से उजड़ चुका है। तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि एक ऐसा गांव है जो हजारों सालों से खंडर हो गया है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है ये, तो पूरा देखिए उसको और फिर लाइक और कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि गाइस हजारों साल पहले पुराना गांव जो अब पूरा उधर चुका। तो इधर देखिए काफ़ी सारे घर भी हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे एक साथ में कई लोगों, ये पूरा गांव मतलब खाली हुआ, ये पूरा गांव खाली आज तक किसी को पता नहीं। यहाँ पे देखिए ऐसे खंडर वगैरह है, पूरे घर टूट चुके हैं। आपको पूरा यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार, तो ये देख लीजिए ये पूरे घर छोड़ के लोग चले गए हैं। यहाँ पे बिजली के खंभे भी थे, अब वो खंभे वगैरह कुछ नहीं है। तो ये देख लीजिए ऐसा कुछ है ये गांव। अब क्यों छोड़ के गए, ये क्यों नहीं, इसका किसी को भी आज तक पता नहीं है। एक इधर ये घर है, इसके अंदर हम चल के देखते हैं किस प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, सब जगह तो हम नहीं जा सकते। पर ये मेरे को ठीक लगा क्योंकि काफ़ी टूटे हुए हैं, गिर भी सकते हैं। तो देखिएगा आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये छत कितनी नीचे है। यहाँ पे ये जो फर्श है और यहाँ पे ये छत है, तो पुराने समय पे ऐसे कुछ हुआ करते थे। ये भी काफ़ी हजारों साल पुराना है ये गांव। अब किस वजह से उजड़ा देखिए, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये छत वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी टूट चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब तो यहाँ पे कोई नहीं आता, कहते हैं रात को यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो जैसे कुलदरा गांव था वैसे ही ये उजड़ा है। अब इसका कारण भी किसी को पता नहीं क्यों उजड़ा। ये देखिए यहाँ पे हजारों साल पुरानी ये टोकरी वगैरह यहाँ पे पड़ी है और ये दीवारें काफ़ी हजारों साल से, देखे गाइज यहाँ पे छत वगैरह कुछ भी नहीं है इसकी। तो यहाँ पे कांटे वगैरह उग गए हैं, लोग काफ़ी यहाँ पे लोग देखने आते हैं इनको। पर ये देखिए हजारों साल पुरानी थी दीवारें इस प्रकार की, देख ली काफ़ी नीचे हैं गाइज, इतनी ऊंची नहीं है। और ये थोड़ा सख्त सही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी देखिए। तो इसके अंदर चलते हैं, लोग बहुत घबराते हैं यहाँ पे आने में क्योंकि लोगों के लोग कहते हैं यहाँ भूत वगैरह चिल्लाने की आवाज़ होती है। तो देख लीजिए गाइज ऐसी कुछ छतें हैं यहाँ की और ऐसे कुछ रूम है यहाँ के, हजारों साल पुरानी। ये देख लीजिए गाइज ये जो यहाँ पे पेटी टाइप की कुछ पड़ी है हजारों साल। ये देखिए गाइज जब यहाँ पे लोग रहते थे तो वो चक्की वगैरह चलाते थे, तो यहाँ से ही चलाते थे। ये देख लीजिए चक्की की जो होती है घूमने वाली, ये यहाँ पे पड़ी है और इस प्रकार का है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है गाइज हजारों साल पुराना है ये। तो ये देख लीजिए गाइज यहाँ पे कोई नहीं आता, ये सीढ़ियों के लिए ऊपर जाता है रास्ता, ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो गाइज ये देखिए हजारों साल पहले ऐसे चूल्हे हुआ करते थे। तो ये ही पूरा है यहाँ का, मैं आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, तो ये आगे गाइज हम बाहर देखिए इस प्रकार की हालत होगी सारे ग्रुप के। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ यहाँ पे देखिए हजारों साल पुरानी है जो, यहाँ पे देख लीजिए ये मेन गेट था, अभी तो देखिए ये इस प्रकार का है पूरा। देखिए ये सब यहाँ पे जो भी लिपाई वगैरह थी टूट चुकी है। तो देखिए ऐसा गांव था, ये पूरा गांव उजड़ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये गाय वगैरह आती है तो ये वो बैठती है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। तो गाइस ये पूरा गांव उजड़ गया और अब इसको भूतिया गांव भी कह देते हैं, जैसे कुलदरा था वैसा था। मैंने एक आपको और गांव का वीडियो दिखाया था, वो भी इस तरीके के था। ये देख लीजिए ऊपर से पूरा टूट चुका है और ये खंभा भी गिरने वाला है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि। तो गाइस यहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। ये देख लीजिए ऐसा कुछ है यहाँ का, और ऊपर देख लीजिए जो वहाँ पे चूल्हे वगैरह जलते थे चिमनी वगैरह उसका है। जैसे खिड़कियाँ रखी जाती थी इसके अंदर कुछ सामान वगैरह रख के चिनके बंद कर दिया जाता था। ये देख लीजिए यहाँ से तोड़ दिया ये लोगों ने। तो ये है गाइज भूतिया गांव, मतलब लोग इन्हें किसे कहते हैं। और ये देखिए ऐसे खूंटियाँ हुआ करती थी पहले के ज़माने में। और देखिए यहाँ से ये पूरा
टूट चुका है यहाँ से, और इधर भी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज यहाँ की हालत देख सकते हो सकता है छत वगैरह भी पड़ जाए, तो वो इतने जोखिम हम अंदर आ गए वो ही काफ़ी। देख लीजिए, आपको छत में दिखा देता हूँ, ये देखिए ये टूट चुकी है सिल्ला वगैरह, तो ये सिर पे पड़ सकती है। लकड़ियों का देखिए सपोर्ट है पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरा लकड़ियों का सपोर्ट पे बना हुआ है। और ये इसका बाहर जाने का गेट वगैरह देखिए, यहाँ पे ही घास खाने के लिए चलती रहती है और ये ही इनके अंदर जाती है। और इधर भी देखिए काफ़ी सारे ये जो घर है टूटे हुए हैं, पर इधर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि देखिए रास्ता जाने का नहीं है, वहाँ पर था तो मैं गया। इधर भी देखिए काफ़ी सारे हैं, ये देख लीजिए। तो ये पूरा गांव किस वजह से खाली हुआ है, मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से पूछा, उनको कुछ पता नहीं, वो कह रहे हैं कि जब से उन्होंने यहाँ पे ये देखे हैं, पूछे हैं लोगों से, तो पता नहीं किस वजह से ये गांव पूरा खाली हुआ है। ये देख लीजिए, ये गायें वगैरह यहाँ पे चल रही हैं। काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी बड़ा गाँव है गाइस, एरिया तो क्या ये काफ़ी बड़ा है, ऐसे खंडर वगैरह इसके अंदर घर है। तो ये देखिए यहाँ से ये टूटा हुआ है पूरा, तो इसके अंदर जाने का पहली बात रास्ता नहीं है, और जब यहाँ से अगर जाएंगे ज़बरदस्ती तो हो सकता है कोई दीवार वगैरह गिर जाए। तो ये ही पूरा था गाइज, ये काफ़ी हज़ारों साल पुराना गांव बताया जा रहा है जो ये है, और ऐसे ही हालत में है। यहाँ पर कोई भी अब नहीं रहता, ना लोग हजारों साल पहले रहते थे, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता क्योंकि ये गांव पूरा वैसे ही खंडर, देखे यहाँ पे जंगल वगैरह हो चुके हैं क्योंकि कोई रहता नहीं है। तो ये मकानों का भी कोई से रिपेयर नहीं करा है, ना यहाँ पे कोई रहना चाहता है गाइज, क्योंकि लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ाई कि यहाँ पर भूत की वजह से गाँव खाली हुआ है। और अभी भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ अगर रात को सुनाई देती है, और कुछ लोगों को दिन में भी सुनाई दी है, मेरे को तो अभी तक सुनाई नहीं दी है। और काफ़ी लोग कम आते हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा नहीं आते, तो यहाँ पे आने में मैं भी घबरा रहा था, पर आपके लिए आया गाइज। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, ऐसे ही पुराने पुराने वीडियो मैं लेके आता हूँ जो शायद ही कभी यूट्यूब पर होंगे। तो गाइज ये देख लीजिए, ऐसा है ये पूरा गाँव, इस गांव का ऐसा रास्ता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कच्चा रास्ता है और गाड़ी हम बाहर छोड़ के आए हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, देखिए ऐसे पत्थर वगैरह है। तो ये काफ़ी देख लीजिए गांव काफ़ी दूर है रास्ते, मतलब रास्ता काम का नहीं है जहाँ पे गाड़ी हम लेके आए, तो गाड़ी हम छोड़ के आए हैं। हजारों साल से देखिए खंडर ही पड़ा है, हजारों साल पहले था, अब यहाँ पे सिर्फ गाय और यही यहाँ पे घास वगैरह खाती है और कोई यहाँ पे नहीं आता है। देख लीजिए गाइज एक खंडर ही रहा, इसके अंदर से पेड़ वगैरह, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है थी जो अब पूरी यहाँ पे खंडर बन चुकी है। तो गाइज ये है पूरा गांव जो खंडर बन चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर से लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।